السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أج همارا دور علوم الشرعية تفسير كدرس الأهيغا يا أبس يا إن شاء الله سورة الفلق. إن شاء الله ننقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل كهدجي اعوذ ما بنالته بنامعته برب الفلق فلق ربك من شر ما خلق मिनशर्री हर उस चीज़ के शर से माँ जो ख़ल पैदा किया वो और अंधेरे के शर से मिनशर्र शर से गास्क मानी अंधेरा इजावकब जब वो छा जाए व मिनशर्र नफ़ास्ती और शर से नफ़ा सात फूके मारने वाली के फिलहद गिरों में औकद जमा अकदा की उदा के माँ अमिन और हसद करने वाले के शर से इदा हसद जब वो हसद करे ये सूरतफ़लक है इसके और इसके बाद वाली सूर सूर्त नास दोनों सूरतों को माऊज़ा तैन का नाम दिया जाता है बल्कि अहदीस में ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला ने भी इनको मुवेदतन का नाम दिया है और मवज़त के मानी कि वो चीज़ जिससे ये जिस के ज़रिए से पना ली जाए इस इंसान दुनिया में इंसान को तरह तरह की चीज़ों से वास्ता है कि जहाँ से उसको नुकसान होते हैं लोगों से भी बंदों से भी और ये बंदे बहुत दूर के नहीं बल्कि उसके बाद अवात बहुत करीब के भी होते हैं जिनसे नुकसान हो सकते हैं बल्कि और तो और इंसान का बजाते ख़ुद उसका नफ़्स भी इंसान को ख़ुद को अपने आप से भी नुकसान होते हैं और इसी तरह जिन हैं जानवर हैं मुख्तल तरह के अल्लाह की मखलूक़ हैं जिनका हम जिक्र करेंगे तो इंसान को इस दुनिया के अंदर तरह तरह के इन खतरात का सामना है इन शरूर से वास्ता है तो इसलिए अल्लाह ताला का जो फ़ल्ल करम है बंदों पर उसकी अनायत है उसकी मेहरबानी है उसमें ये भी है कि उसने बंदों को इन शरूर से बचने के रस्ते भी दिए हैं और उसके लिए हमको चीज़ें सिखाई बताई हैं कि जिनको पढ़कर जिनको कहकर ये जिनके ज़रिए से हम इन तरह तरह की शीर, चीज़ों के शर से बच सकते हैं तो उन्हीं में से ये दो सूरतें हैं सूरतफ़लक और सूरत ननास जिन दोनों सूरतों को मवदार का नाम दिया जाता है जिसका बताया है और इन दोनों सूरतों के ज़रिए से अपना लेने इसके बारे में कई एक हदीस आती हैं चुनाचे सही मुस्लिम की हदीस जिसे के ओक आमिर रज़ी तबैत फ़रमाते हैं आप मैकम तरा आयातिनतिल्न क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात ऐसी आयतें नाजुल हुई हैं कि जिस जैसी आयतें कभी नहीं देखी गई वो क्या हैं सूरतफ़लक और सूरतनास हैं इसी तरह इबन आबिसजुहनी अल रज़ी अल्लाह तू कि हदीफ़ है फ़रमाते हैं कि उन्हें रसूल करीमलम ने फरमाया, "अला फरमायाखबिरू का भी अफज अमायताज़ून क्या तुमको वो अफजल तीन चीज़ ना बताऊँ कि जिसके ज़रिए से लोग बना लेते हैं कला बला रसूल्ला तो इबन आबिस फ़रमाते हैं कि मैंने कहा कि क्यों नहीं अल्लाह के रबी असला बताइए आप मैं कुल मैकेउद वबिलफारे और कुल आउद बरबिननास ये दोनों सूरतें हैं कि जो सबसे अफसल वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से अपना ली जा सकती हो इसी तरह अब्दुल अब्न ख़ुबैब रज़ी अल्लां फरमाते हैं कि रसूल करीम सल वम ने उनको फ़रमाया कि कुल्अल अहद और मऊदत यानि सूरतुलफ़रक़ और सूरतनास ये तुम सुबह और शाम तीन मरतबा कह लो तखफ़ी कमिनकली शई तो ये दोनों सूरतें तुम्हारे लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाएँगी हर चीज़ से काफ़ी होने का माना कि हर तरह के शर से बचने के लिए हर तरह की आफत और हर तरह की चीज़ों के अंदर जो बुराई का पहलू है उससे बचने के लिए तुम्हारे लिए दोनों सूरतें काफ़ी हैं और ऐसे ही अबू अल अबूसरी रज़ी हदीस है फ़माते हैं कि मऊदत जो हैं इनके नाजल होने के बाद रसूल करीम सल वसम सिर्फ़ इन्हीं को पढ़ लेते थे इसी पर इतफ़ा कर लेते थे अगर अगचि इनके नाजिल होने से पहले आप जिनों और इंसानों की नज़र से बचने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की दुआएँ पढ़ते थे लेकिन जब यह सूरतें नाजिल होती हैं जिस तरह की तरमी की हसन हदीत है हसन और सही हदीत है आपने इन दोनों सूरतों को पढ़ने पर इतफ़ा कर लिया ऐसे ही अकबा आमिर की हदीत है कि जिसमें उन्होंने पूछा मोवजतन के बारे में तो तो आप नुमाएँ कि ये दोनों सूरतें यानी मोवजैन के बारे में उन्होंने पूछा इन, तो आपने ये दोनों सूरतें फजर की नमाज़ में पढ़ी यानी उनको इस बात की तालीम दी कि इन दोनों सूरतों का क्या मुकाम है कि हती कि आपने सिर्फ़ फ़जर की नमाज़ में दोनों सूरतों को पढ़ने पर इतफ़ा किया ऐसे ही उम्र आयशा दिला के हदीस हैं इस बारे में कि आप जब रात को सोने लगते तो सोते हुए जो दूसरे सोने से पहले के अजकार किए जाते हैं उन अजकार के साथ साथ आप क्या करते कि कुल्हल्लद कुल कुल फलाब्लास ये तीन तो सूरतें जो हैं, अपने दोनों हाथों को जमा करते और तीन सूरतों को पढ़ कर उनमें फूक मारते और अपने जिसम पर उन हाथों को फेरते तीन मरतबा ऐसा करते यानी हाथों को अपने मुँह के पास जमा करके तीनों सूरतों को पढ़ते उसमें फूंक मारते फिर जिसम पर फेरते फिर दोबारा ऐसा करते फिर तीसरी बार ऐसा करते और ऐसे ही मुमिन आयशा अन्हा की हदीस है कि आप जब बीमार होते तो इन दोनों सूरतों को पढ़ते बीमारी के इलाज के लिए दोनों सूरतें पढ़कर जिसम पर फूंकते हती कि फरमाती हैं कि जब आप मौत में थे जब आप बीमार जिसमें आपके फौत की होती है तो उसमें जब आपकी दर्द आपकी तकलीफ ज़्यादा हो जाती है तो फरमाती हैं कि मैं ये सूरतें पढ़ कर आपके हाथों पर आपके हाथों यानी कि आप पर हा, आपके हाथों पर फूकती और आपके हाथों को जिसम पर फेरती आपके हाथों की बरकत की वजह से तो ये मुख्तलफ तरह की और भी कई एक अहादीत हैं और ये सभी अहादीत जिनका हमने जिक्र किया है बुखारी मुस्लिम की या दूसरी भी अहादीत की उन किताबों में से हैं कि जो सही तेन अहादीत हैं तो इससे पता चलता है कि दोनों सूरतें इनका क्या मुकाम है बल्कि बाद रिवायात में ये भी है कि जब रसूल करीम सल वसम के ऊपर जादू किया गया जिसका हम आगे ज़िक्र करेंगे तो उस वक़्त आपको ये सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया गया और इसी वजह से बाद का कहना है कि दोनों सूरतें मदनी हैं लेकिन ये दोनों सूरतें मक्की हैं क्योंकि मुख्तल तरह की चीज़ों के चीज़ों के, के शर से बचने का सिलसिला सिर्फ मदीना में ना था बल्कि मक्का में आपके साथ वो शर जो है उसका मामला और भी बढ़ कर था कि जबकि चारों तरफ ही आपके दुश्मन थे मश्रक मक्का में से तो और उनके भी आपके साथ जो है तरह तरह की कोशिशें थी जो थी आपके ऊपर हसद की आपके साथ हसद करने की और आपको नुकसान पहुँचाने की लेकिन मदीना में जाकर भी आपके ऊपर जादू किया गया जिसका वाक़ा ज़िक्र करेंगे तो आपको ये सूरत पढ़ने का हुक्म दिया गया इसका मतलब कि मदीना में आपको सूरतें पढ़ने का हुक्म दिया गया ना कि ये सूरतें जो हैं आपके ऊपर नाज़र हुई और इन अहदीस को जिनका हमने ज़िक्र किया है उनसे पता चलता है कि ये दोनों सूरतें पढ़ने इन मुद्देन को पढ़ने के मुख्तलिफ़ मे हैं मुख्तलि हैं या मुख्तफ़ जगह हैं जिन पर हमें इनके पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो शरीर चीज़ों के शर से पना मांगने के हवाले से जिसका कि आपका फरमान है कि इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं कि जिससे आदमी ने पना ली हो या जिसके ज़रिए से पना ली हो और ऐसे ही जादू और इस तरह की चीज़ों के शर से उससे पना लेने के लिए और सुबह शाम के अजकार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों सूरतों को पढ़ने की आपने तालीम दी कि जो आदमी सुबह तीन दफ़ा पढ़ लेता है शाम को तीन दफ़ा ये सूरतें पढ़ लेता है तो उसके लिए हर चीज़ से काफ़ी हो जाती हैं और इसी तरह सोने से पहले जो अजकार हैं और ऐसे ही नमाजों के बाद भी और नमाज के अंदर भी रसूलिक मिसम जिस तरह की हमने हदीज़ पढ़ी है कि आपने फ़जर की नमाज़ में ये दोनों सूरतें पढ़ीं तो नमाज के अंदर तिलावत में भी ये दोनों सूरतें पढ़ सकते हैं हती के फ़जर की नमाज़ में जहाँ पर अमूमा लंबी किरात होती है तिलावत होती है लेकिन बाद बाद हालात में आपने उन यानी कि फजर की नवाज़ में भी ये दो, दो, दोनों सूरतें पढ़ी और ऐसे ही नमाजों के बाद भी सुन्नत है कि नमाज के बाद के अजकार में इखलास के साथ ये दोनों सूरतें मवदल को पढ़ा जाए और इसी तरह जो है हर चीज़ से कफायत हासिल लिए जैसा कि आप माए के दोनों सूरतें तुम्हारे लिए हर चीज़ से काफ़ी हैं हर चीज़ से कि शर से बचने के लिए दोनों सूरतें पढ़ने का अहतमाम करना चाहिए लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि ये दोनों सूरतें जिनके बारे में आप हैं कि इससे बेहतर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे आदमी जिसके ज़रिए से अपना ली हो और आप जब ये सोनों सूरतें नाज़र हो जाती हैं तो आपने बाकी चीज़ें छोड़ कर इन्हीं पर इन्हीं पर इतफ़ा कर लिया इनको पढ़ने पर और इस तरह की आपके हदीस जो हमने पढ़ी हैं को कहने वाला कहता है कि हम तो ये दोनों सूरतें पढ़ते हैं और दम करते हैं और किसी चीज़ के शर से पनाह लेने के लिए इन सूरतों को पढ़ते हैं कोई जादू टोना होता है कोई जिन शैतान होते हैं कोई नज़र बद होती है लेकिन इसके बावजूद भी हम इन दोनों सूरतों का अपने ऊपर को असर नहीं देखते ये बहुत अहम और बड़ा सवाल है जिसे हमें समझी को समझ समझने की ज़रूरत है और बात सिर्फ़ इन दोनों सूरतों की नहीं बल्कि और भी कुरान करीम जिसको अल्लाह ने शिफा बना के भेजा है सबसे पहले तो दिलों की शिफा है कि इंसान को कुफर से गुमराहियों से निकाल कर ईमान और हजात की तरफ लाता है ये कुरान और उसके साथ साथ जिसमों की शिफा भी है कि जिसमें इंसान की जो जिस्मानी अमराद हैं उसके आफात हैं उसका भी इलाज है इसके अंदर इस क़ुरान में लेकिन कहने वाले कहते हैं कि कुरान पढ़ते हैं कुरान से दम करते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता सूरत फ़ाति जिसको आपने नाम ही शाफ़िया का दिया है कि शफा देने वाली सूरत है अल्लाह के हुक्म से तो वो भी सूरत पढ़ के दम किया जाता है लेकिन उसका असर जाहिर नहीं होता जबकि सबा कराम चेजा के रसूल करीमल बल्कि साहबा कराम भी जब दम करते किसी को तो उसका फ़ौरी असर जो है वो देखने में आता उसके पीछे के एक चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है कि बात जो है वो सिर्फ़ इन सूरतों के या इन आयतों के अल्फ़ाज़ कहने की हद तक नहीं है बात जो है वो ये है कि इसके पीछे अक़ीदा क्या है यकीन किस क़दर है अल्लाह के ऊपर किस क़दर तवक्ल है ईमान है और फिर इन चीज़ों को पढ़ते हुए करते हुए हमारा यकीन किस पुख्ता होता है कि वाकई ही अल्लाह का जो वादा है पूरा होगा और इन चीज़ों पर इन इन इनके आयतों का इन सूरतों के मानी पर कभी ग़ौर विक्र भी किया हो कि हम जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर माना क्या मिल रहा है और फिर ये भी कि सूरतों से पढ़ते हैं दम तो करते हैं इन सूरतों से कुरान भी पढ़ लेते हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी हालत ऐसी होती है माहौल ऐसा होता है कि जहाँ पर इन सूरतों का असर नहीं हो सकता इस कुरान का असर नहीं होता अल्लाह ने कुरान के बारे में जब फरमाया "और कुरान बन हुआ शफ़ा कि हम कुरान ने वो कुछ हमें नाज़र किया है नाज़िल करते हैं कि जो ममिनों के लिए शिफ़ा और रहमत है तो साथ ही क्या फ़रमाया

उनके से कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि नीते बुरी हैं दिल टेढ़े हैं अल्लाह पर ईमान नहीं है यकीन नहीं है तो ये वो सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से इन सूरतों के पढ़ने का दम करने का कुरान से हाँ हमारे लोगों को फ़ायदा नहीं होता उसकी वजह यह है कि अल्लाह पर यकीन नहीं है अक़ीदों के अंदर शिरक के गलाजते हैं और अल्लाह से हट औरों से उम्मीदें हैं और इन चीज़ों को पढ़ा भी जाता है तो सिर्फ़ अल्फाज के हद तक और जिस माहौल में जिस हालत में पढ़ा जाता है तरह तरह की हम बुराइयों में फिसको फजूर में गुनाहों में मुल्स होते हैं जिस घर में पढ़ी जाती हैं वहाँ पर तरह तरह के शैतान बस रहे होते हैं फ़िल्में ड्रामे गाने म्यूज़िक और डांस और क्या क्या ख़बास्तें वहाँ पर चल रही होती हैं तो ऐसी जगहों पर इस क़ुरान का फिर क्या असर होगा कि जहाँ पर चारों तरफ शैतानों के पहरे हों जहाँ शैतानों का राज चलता हो जिस दिल दिमाग के ऊपर शैतान छाया हो सवार हो वहाँ पर फिर ऐसी तिलावतों का ऐसी किरातों का कोई असर नहीं होता यकीनी बात है हम इन चीज़ों को हती के दुनियावी तौर पर भी समझते हैं कि डॉक्टर की कितनी भी अच्छी दवाई मेडिसिन क्यों ना हो उसने बड़ी अच्छी तशीस के बाद डायग्नोज़ करके आपको आपके मर्द को पहचान कर सही दवाई दी है और बहुत अच्छी दवाई दी है लेकिन दवाई का इस्तेमाल ही आप सही ना करें दवाई इस्तेमाल करने के साथ साथ उसके मुखालफ चीज़ें इस्तेमाल करते जाएं तो उसका फ़ायदा नहीं होता तो अगर जिस्मों को ज़ाहरी इन दवाइयों का फ़ायदा नहीं होता जब उनके मुखालफ चीज़ें की जाती हैं तो रूहानी तौर पर फिर कुरान का इनायतों का कब फायदा होगा कि जब मामलात उसके बरखिलाफ हों इसलिए अगर हम चाहते हैं कि वाकई ही अल्लाह के वादे पूरे हों इन सूरतों के इनायतों के हवाले से जो हमारे साथ किए गए हैं कि अल्लाह की हिफाजत मिले और अल्लाह की पाँ में आदमी आ जाए और शरीर चीज़ के शर से बच जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी वो इसबाब इख्तियार करे कि वाकई ही जिनसे ये पनाह हासिल होती है जिन जिनसे ये हिफाजत अल्लाह की मिलती है और यही फ़र्क है साहबा क़राम के अंदर और आज के बहुत से ईमान के दावेदारों के अंदर कि साहबा क़राम का ईमान पुख्ता और कामिल होता था इन चीज़ों को पढ़ते करते हुए कोई तैरबे के तौर पर नहीं करते थे कि बिकर के देखते हैं हमारे जिस तरह के बहुत से लोगों का नीयत तो दिल तो क्या है बल्कि ज़बान से ही भी चलो पढ़ के देखते हैं ये तैर्बा कर रहे हैं अल्लाह ताला के यहाँ तैर्बाज नहीं चलते अल्लाह के रियाम क्या फ़माते हैं उदोल्ला तुम्बिन बब इजाबा कि अल्लाह से दुआ करो इस हालत में कि तुम्हें पूरा यकीन हो उसके कबूल होने का जो पढ़ रहे उसके मानी पर पूरा गौर हो अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन तवक् हो और इस बात का पूरा एतमाद हो कि अल्लाह का ये वादा पूरा हो के रहेगा हाँ फिर वादे पूरे होते हैं तो इसी बात कर रहे थे कि अगर चाहते हैं वाकई ही इन चीज़ों से इस तरह की सूरतों से इस तरह की आयात से अल्लाह ने हमको जो हिफाज़ देने का वादा किया है शर से बचाने का वादा किया है अगर चाहते हैं अल्लाह के वादों को हासिल करना तो ज़रूरत है उस ईमान को यकीन को पैदा करने की कि जिस ईमान व यकीन के साथ जो है वाकई ही इन चीज़ों का फ़ायदा हो असर हो तो ये था इस सूरत के हवाले से थोड़ा सा इसकी पस मंजर या इसकी फजीलत के हवाले से या अल्लाह ताला ने किस लिए हमको ये सूरतें दी हैं उसके बारे में कुछ बयान उसके बाद हम इसकी तफसीर की तरफ़ आते हैं जिसमें मज़द जो है आगे इन चीज़ों का बयान होगा अल्लाह ताला आता है कुल कह दीजिए आऊ में पनह लेता हूँ पनह में आता हूँ पनाह पकड़ता हूँ सभी अल्फाज आते हैं उर्जू का लफ्ज़ जो है आज व वजन के जिससे लफ्ज़ इस है कि जिसका मतलब माना क्या है कि किसी चीज़ से पना किसी चीज़ की पनह में आना किसी चीज़ की पनह में आ जाना और पनाह के लेने का माना क्या होता है पनाह लेने का मतलब ये है कि आदमी किसी चीज़ से डर खौफ महसूस कर रहा है और वो समझता है कि उसका वो मुकाबला नहीं कर सकता कि जिस चीज़ का उसको डर है वो चीज़ उससे ज़्यादा ताकतवर है या उसका मुकाबला करना उसके लिए मुमकन नहीं है या तो सामने नज़र तो आती है वो चीज़ लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है बहुत ताकतवर चीज़ है आदमी उसके मुकाबले में कमज़ोर है या बहुत मूजी चीज़ है कि जिसके शर से उसके लिए बचना मुमकिन नहीं है या बात वो चीज़ नज़र नहीं आती जिन्हों के शक्ल में तो आदमी जब किसी चीज़ का डर महसूस करता है और उसके मतलब उसका ये ईमान होता है यकीन होता है कि चीज़ उससे उसके इखतीर से बाहर है बड़ी चीज़ है उसका मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर आदमी उससे बचने के लिए उससे बचने के लिए किसी दूसरे की हिफाजत तलब करता है किसी दूसरे की पनाह में आता है किसी दूसरे से मदद तलब करता है किसी दूसरी चीज़ से चाहे वो इंसान हो या कोई और चीज़ हो तो इसको कहते पन्ह में आना या अपना लेना और ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं कभी को आदमी भी हो सकता है कि एक आदमी आपको मारना चाहता है आप दौड़ते हुए किसी ताक़तवर आदमी के पास जाते हैं और समझते हैं कि आदमी बड़ा ताकतवर है और ये जो मुझे मारने आ रहा है इसको रोक सकता है और बात एक नहीं बल्कि ज़्यादा लोग होते हैं कि ये सभी लोग इसको मिलकर पकड़ सकते हैं रोक सकते हैं तो कोई शक नहीं यहाँ पर आदमी पना लेता है और लेते भी रहते हैं कि बाज़ात आदमी किसी इस तरह की हालत में हो तो दौड़ कर अपने दोस्तों के पास या लोगों के पास आता है और उनको कहता है कि मुझे बचा लो तो ये पना लेना लोगों से बाज़ात लोगों के अलावा किसी और चीज़ से पना लेना आदमी के पीछे कोई दुश्मन लगा है तो आदमी भाग कर किसी कमरे में अपने आप को बंद कर ले किसी किला में अपने आप को महसूर कर ले दुश्मन से बचने के लिए कोई शेर चीता लगा है पीछे आदमी भाग कर किसी दर के ऊपर चढ़ जाए या किसी कमरे में बंद कर ले अपने आप को कहने का मकसद, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं कि जिससे जिसके जरिए पनाह ली जाती है अब यहाँ पर तो पनाह जाहरी चीज़ों से ली जाती है कि जहाँ पर ज़ाहरी सबब है कि शेड लगा है पीछे भागकर किसी कमरे में घुस जाते हैं दरवाज़ा बंद कर लेते हैं दुश्मन पीछे लगा है भागकर किसी किले में घुसकर अपने आप को बचा लेते हैं बना ले लिया आपने उस क़िले के अंदर उस कमरे में या कोई ताकतवर लोग बैठे थे उनको आपने कहा कि मुझे इस दुश्मन से बचा लो तो आपको बचाने के लिए जो है वो तैयार हो जाते खड़े हो जाते हैं आपके दुश्मन को रोक देते हैं तो ये वो परा का अंदाज़ है कि जिसमें ज़ाहरी इसबाब से पनाह लेना यहाँ पर एक और चीज़ पनाह के हवाले से जानना ज़रूरी है इसके के हवाले से कि बात पना ली जाती है ऐसी चीज़ों से कि जो ज़ाहरी इसबाब हैं जाहरी ऐबाब है। के होने का माना कि वो चीज़ जिससे आप जिसके जिसके जिस के ज़रिए से आपना ले रहे हैं कि जिसके पनाह में आप आ रहे हैं वो चीज़ आप सामने है मौजूद है और वाकई ही उस पर आपको बचाने की वो ताकत है या बचाने बचाने की सलाहियत है चाहे कोई इंसान हो या कोई और चीज़ हो यानी और चीज़ हमारा जिस तरह हमने मिसालें दी हैं किले की मकान किस कि इस तरह की चीज़ों की तो ये वो ज़ाहरी इसबाब हैं कि जो आपको पना देने के लिए मुनासिब हैं या पुनः दे सकते हैं या अपना आप ले सकते हैं इन चीज़ों से तो यहाँ पर तो हम अल्लाह से हट औरों से मखलूक़ात से पना ले सकते हैं अगरच यहाँ पर भी उन चीज़ों से पना लेते हुए एतमाद अल्लाह पर ही हो क्योंकि ज़्यादा लोग बैठे हैं दस आदमी बैठे हैं और सभी नौजवान हैं ताकतवर हैं आप भागते हुए उनके पास आते हैं मुझे इस दुश्मन से बचा लो और ये दुश्मन एक ही आदमी है कोई शक नहीं है दस आदमी एक आदमी को रोक सकते हैं ताकत के लिहाज से राही सब के लिहाज से उनके पास ताकत है उसको रोकने की उसको पकड़ने की लेकिन यहाँ पर भी हमने कहा है कि अतमाद अल्लाह पर हो हम इनको कह सकते हैं दस आदमी को कि मुझे बचा लो लेकिन यहाँ पर भी अतमाद अल्लाह पर हो किस लिए कि अगर अल्लाह ताला तुमको नहीं बचाना चाहेगा तो दस छोड़कर दुनिया जहान के लोग भी क्यों ना हो एक नबीलाम अब अब ने अब्दुलबिन अब्बास को क्या तालीम दी वाहम लव् अन्न, लवानत इजमात और एक वैत के अंदर लवोअन्ना अहन अर्द इजतमा कि अगर पूरी उम्मत के लोग भी या पूरी रुए ज़मीन के लोग भी मिलकर तुम्हें बचाना चाहें किसी उस नुकसान से जो अल्लाह ने लिखा हुआ है तो तुमको बचा नहीं सकते तो इससे क्या पता चला कि दस आदमियों का या ज्यादा ताक़तवर लोगों का आपको बचा लेना दुश्मन से वो भी महज अल्लाह के तौफीक से है अल्लाह की तकदीर से है अल्लाह ताला तौफीक नहीं देगा इन दस आदमियों को तो हाथ उठा लेंगे भी हम नहीं कर सकते हम आपको आपका दिफा नहीं कर सकते आपको ही बचा सकते और होता भी ऐसा कई बार होता है तो आदमी समझता है कि मेरे दोस्त हैं मेरे जाने वाले हैं मुझको बचा लेंगे लेकिन वो देखते हैं कि दुश्मन जो है कोई ऐसा बदमाश है कि जिसके मुकाबले में आना ख़ुद अपने आप को ख़तरे में डालना है तो लोग कहते हैं कि हम अपने जाने के दाय करें ठीक है मरता मरने दो जिस तरह के बाद इस तरह के हालात होते हैं तो कहने का मकसद क्या है कि अगर चाहे ज़ाहरी सबब मौजूद भी हो कि जिसने आपको नजर आता हो कि वहाँ आप पनाह ले सकते हैं उनसे आपको पनाह मिल सकती है लेकिन वहाँ पर अतमाद अल्लाह पर होना चाहिए पनाह लेते हुए और एक दूसरी पाह है एक दूसरा है इस्ता है कि जो सिर्फ़ अल्लाह से ही है अल्लाह से हट कर किसी मखलूक से वो इसदा करना उनसे पना माँगना क्या है वो शिरक है और शिरक अकबर है कि जिसके करने से आदमी दीन से ही ख़ारिज हो सकता है और वो कौन से ज़्यादा है कि जहाँ पर आदमी किसी ऐसी चीज़ के शर से बचने के लिए पना मांगे कि जो जिससे बचाना किसी की ताकत में ना हो किसी के इख्तीार में ना हो यानी फ़र्ज करो कि कोई ये कहे कि मुझे अल्लाह के आदाब से बचने के लिए किसी को कहे कि मुझे अल्लाह के अदाब से बचा ले अब अल्लाह से अल्लाह के अदाब से बचा ले कि किसी के पास ताकत है कोई इस बात का इख्तियार रखता है कोई नबी हो या वली हो खुद रसूल करीम अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को क्या फरमाते हैं अमली के अमल करो फ़न्नी ला कि मिनल्ला ही सैया कि मैं तुम्हें अल्लाह के हाँ तुम्हारे यहाँ कुछ काम ना सकूँगा तुम्हारा अमल काम आएगा तो अगर जहानों के इमाम नदियों के सरदार का ये हाल है कि अपनी चेहती बेटी के उनको अल्लाह के केदाब से बचाने के अख्तियार नहीं रखते तो और कौन है कि जो इस बात का इख्तियार रखता हो हमें चाहिए क़ुरान के इन सूरतों को पढ़ते हुए इनको इनके मानी पर गौर विक्र करते हुए अपने अकीदों की असलाह करने की कि जिन अदों के अंदर आज तरह तरह की गुमराहियाँ हैं तरह तरह की गलतियाँ तरह तरह की इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं तो बात कर रहे थे कि बालात ऐसी चीज़ों से पना ली जाती है कि जिसमें पना देना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्ला ही का अख्तियार है और बालकात ज़ाहरी इसबाब से हट कर ऐसी चीज़ों से पना ली जाती है कि जो ज़ाहिरन कोई उसमें पना देने की शक्ल सूरत नज़र नहीं आती आप पना तो ऐसी चीज़ के लिए ले रहे हैं कि जिसमें कोई दे सकता है लेकिन जिससे ले रहे हैं उसके पास कोई जाहिर सबब नहीं है मसलन किसी दुश्मन से बचने के लिए किसी वली बुजुर्ग को पुकारते हैं कि बाबा जी मुझे बचा लो मैं आपकी हिफाजत में हूं तो किसी वली बुजुर्ग को पुकारना चाहे वो जिंदा हो लेकिन मौजूद ना हो कहीं गायब दूर हो या फौजशुदा हो तो कोई शक नहीं कि ये जो है पनाह लेना शर्क है क्योंकि जिससे पनाह ले रहे हैं उसके पास जाहिर सबब नहीं है आपको बचाने का आपको पना देने का अगर ज़िंदा मौजूद भी है लेकिन ज़िंदा है लेकिन मौजूद नहीं हाजिर नहीं है कहीं दूर है मिलो दूर है और वहाँ पर बैठा आपको बचाने पर काजिर नहीं है अगरच मशरकों की दुनिया में सारा कुछ चलता है वो तबलीगी निसाब में एक वाक़ लिखा मैं पढ़ रहा था कि उनके बड़े उनके, उनके शेख महाजर मक्की साहब बैठे हुए अपने को कहते हैं कि ज़रा मेरी कमर को दबाइए तो शगिरद कहता है कि मैं कमर दबाने दबाने लगा तो उनका कपड़ा उनका कमीज थोड़ा पीछे हुआ तो देखा कि कमर पर कोई किसी चीज़ की जैसे रगड़ लगती है ज़ख्माते हुए ऐसे हैं मैंने पूछा हजरत साहब ये क्या हुआ तो महािर मक्की साहब कहने लगे कि हाँ ये मेरे मुरीद थे बहुत दूर दूर उसकी कहीं कश्ती जो है डूब रही थी तो उसने मुझे पुकारा कि हज़रत साहब बचाइए तो मैं उनकी कश्ती को सहारा दे रहा था तो शायद उससे रगड़ लग गई होगी हजरत हो साहब अपने घर में बैठे हुए हैं मुरीद की कश्ती कहीं समुद्र में डूब रही है और ये घर में बैठे बैठे उसको सहारा दे रहे हैं और सहारा देते देते रगड़ भी लग गई है ये है मुशरक़ की दुनिया कि जहाँ पर शर्क की तालीम दी जाती है इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ कि कुरान को सीखें कुरान को समझे ताकि आपको पता चले कि आपको जो दीन पढ़ाया सिखाया जाता है ये कहाँ का दीन है किसका दीन है कि किस्से कहानियों का दीन झूठे ये कहा हकायतें और किस्से कहानियाँ घड़ी हुई कि जिनको पढ़ा कर सुना कर लोगों को शिरक सिखाया जाता है कि अल्लाह की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे बुजुर्ग तुमको बचा लेते हैं तो खैर बात कर रहे थे कि ये पना देने का अंदाज़ किसका है ये पन्ह देने का अगर अल्लाह से हटकर किसी और से पन्ह मांगी जा रही है ऐसी ऐसी पनाह किसी ऐसी हस्ती से मांगी जा रही है कि जो आपको देने पर जाहिरन कादिर नहीं है ये शिरक है किसी मुर्दा को पुकारा जा रहा है कि वो आपको आके बचा ले अगर नबी करीम अलैहि वसल्लम अपने नवासे को इस महीने में दस मुहर्रम में उनके ऊपर जो बड़ी आफत आई थी उससे ना बचा सके तो मुझे बताइए ज़रा कि कौन है और कि जो किसी को बचाने की ताकत कुदरत रखता हो तो इसलिए इनके बात कर रहे थे कि या तो ऐसी चीज़ से पनाह मांगना कि जिसने पना देना सिर्फ़ अल्लाह ही का इख्तियार हो ऐसी चीज़ में किसी और से पना मांगना यह शिर्क के ज़ुमरे में आता है या फिर कि पना देना तो वहाँ पर मुमकिन हो लेकिन जिस चीज़ से पनाह ली जा रही है जिसको जिसकी पनाह में आया जा रहा है वो पनाह देने पर कादिर नहीं है या तो ग़ायब है मौजूद नहीं है या फौजशुदा है ज़िंदा नहीं है या बाल अवत ज़िंदा मौजूद है सामने है लेकिन उसके अंदर वो ताकत नहीं है एक बूढ़ा आदमी उठकर बैठने पर कादर नहीं है पता है कि बिस्तर पर पड़ा है बैठने पर भी कादिर नहीं है आप उसको कहो बाबा जी मुझे इस दुश्मन से बचा लो बाबा जी वो बैठने पर कादिर नहीं है वो क्या खड़ा होकर बाबा आपको बचा लेगा दुश्मन से तो यहाँ पर भी इस तरह के शख्स का इस बाबा जी को पुकारना उसके पीछे क्या है एक माफौक, मा, आकीदा है कि बाबा जी अगर चाहे बिस्तर पर लेटे वह उठ तो उठ कर बैठ तो नहीं सकते लेकिन बाबा जी के पास एक जो है वो जो ऐसी कोई गैबी क़वत है कि जिस गैर क़ूत से दुश्मन को पीछे हटा देंगे और ये है जो शिरक़ है इसलिए इस ताज़ा के हवाले से या अपना लेने के हवाले से दो चीज़ें हैं कि कभी ये जायज़ है मखलूक़ात से भी ले सकते हैं कि जहाँ पर ज़ाहरी इसबाब मौजूद हों और वहाँ पर भी हमने कहा है कि तवक़़ लापर ही होना चाहिए और कभी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से लिया जा सकता है किसी और से लेना जायज़ नहीं है कि जहाँ पर सिर्फ़ अल्लाह ही देने पर क़ादर हो तो ये भी यानी कि अकीदे का बहुत अहम मौजू है और इस चीज़ को कुरानी क्री में अल्लाह ने कई जगहों पर जिक्र किया है सूरतज़म तो में अल्लाह का फ़रमान है इन्ुका रिजासी बिजा जिन्नी من हम रहा رهقا के बेशक जिन्नों में से कुछ आदमी थे इंसानों में से कुछ लोग थे कि जो जिन्नों की जो जिन मर्द थे उनकी पनाह में आते उनसे पनाह तलब करते तो जब ये आदमी या इंसान जो है जिन्नों से की पनाह से तलब जिन्नों से पनाह तलब करते अल्लाह फजाद हम राहका का ये जिन उनको और ज़्यादा तंग करते और परेशान करते क्योंकि जिन्नों को पता चल जाता कि ये डरे हुए हमसे तो चलो इनको और जो है इनको और तंग करो और इसलिए इस्लाम ने हमको इस तरह के गुमराह गदों के बदमक़ाबल तालीमात दी हैं कि किस तरह हम अल्लाह के सही अक़ीदे पर अल्लाह ताला पर तोहद का अकीदा रखते हुए हम अपने अकीदों को भी बचा सकें अल्लाह की हिफात में भी आ सकें और चीज़ों के शर से बच सकें तो चुनाचे इसी बारे में आप सी हदीस है खौला बित हकीम जिस रवायत समाती हैं कि आप मैं कि मन् नज़ अ मन कि जो आदमी किसी जगह पर ठहरते हुए ये दुआ पढ़ लेता है आउदबी कलमात अल्ला तमात मा शरमा के मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल और तमाम कलिमात के ज़रिए से पना लेता हूँ और अल्लाह ताला के मुकम्मल तमाम कलिमात क्या हैं अल्लाह के सफत है तो अल्लाह ताला की सिफात से पना लेना अल्लाह से पना है तो क्योंकि अल्लाह की सिफात अल्लाह से है अल्लाह से अलग नहीं है तो इस अल्लाह की सिफात का वसीला वास्ता लेते हुए अल्लाह के पना लेता हूँ किससे जो हर चीज़ के शर से जो पैदा की तो आदमी अगर ये दुआ पढ़ के कहीं पर ठहरता है आपका फरमान है कि अल्लाह के हुम से कोई भी चीज़ उसका नुकसान नहीं करेगी जब तक वो वहाँ से चला नहीं जाएगा ना कोई जिन ना कोई इंसान ना कोई मूरी जानवर अमा भी फरमाते हैं कि मैं जहाँ भी ठहरा हूँ अल्लाह के हुक्म से दुआ पढ़ के ठहरा हूँ और मुझे कभी किसी चीज़ ने नुकसान नहीं दिया हती कि एक जगह में ठहरा हुआ था तो मुझे किसी चीज़ ने काट लिया तो मैंने जब गौर किया तो पता चला कि मैंने दुआ नहीं पढ़ी थी तो खैर बात कर रहे थे तो ये है इस्लाम की दी हुई तालीमत उन जहरीत के मुशरकाना, उन तस्वर के बारे खिलाफ, कि जिसमें एक मुसलमान अल्लाह के पनाह लेकर अल्लाह के पनाह में आकर तरह की चीज़ों के शर्त बच सकता है तो ये माना आयादू का कुल आयाउदू कह दिए कि पनाह में आता हूँ पनाह लेता हूँ किस की बरबिल रब का लफज तो हम जानते हैं कि खालिक मालिक राज़ ये सारी चीज़ें तदबीर करने वाला जिसका ताल्लुक रब़ के साथ है तो रब की पनाह आता हूँ रब कौन सा रब फलक फलक के रब़ की फलक क्या चीज़ है क़ाफ़ जो नुकत तो वाला है फलक फलक का माना उलमा ने मख्त इसके मान किए हैं लेकिन दो बड़े मानी हैं कि जो तकरीबा वाज़ हैं और ज़्यादा करीब हैं एक फलक का माना कि वो फूटना और फजर का तुलु होना सुबह का निकलना क्योंकि जब सुबह तलु होती है फजर तुलू होती है तो क्या होता है कि फजर की रोशनी अंधेरों को फाड़ती है असल फलक का लफ्ज़ी माना फाड़ने का है अल्लाह सम स फ़ाल हब्बी व नवा कि बेशक अल्लाह जात है कि जो फालिकुल दाने को और गुठे को फाड़ने वाला है तो असल फ़लक का लफ्जी माना किस चीज़ का फाड़ना है तो जिस तरह के रोशनी अंधेरों को फाड़ती है सुबह की रोशनी तो इसलिए उसको सुबह को फलक का नाम दिया गया और लता ने इसके बारे में बयान फरमाया है फ़ाल उल इसबाही कि अल्लाह कौन है कि जो सुबह की रोशनी को फाड़ने वाला है यानी कि सुबह की रोशनी के साथ जो है अंधेरों को फाड़ने वाला है तो ये माना इस लिहाज से मुनासब है सही है कि रात चूँकि मुख्तफ तरह की शर का वक़्त होता है जिसका हम पढ़ेंगे कि रात को है रात में क्या क्या शर होते हैं तो उन शरूर को ख़त्म करने वाले क्या है सुबह की रोशनी कि जिस रोशनी के साथ वो अंधेरे छटते हैं और तरह तरह के शर जो अंधेरों के अंदर फ़ैले होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो इस लिहाज से अल्लाह ताली को रबुलफलग का नाम दिया कि जो वो सुबह लाता है कि जिस सुबह के साथ रात के अंधेरे छटते हैं और ख़तरात ख़त्म होते हैं तो उस रब की पनाह लेता हूँ उस रब की पनाह में आता हूँ कि जो अंधेरों को ख़त्म करके रोशनियाँ लाता है और वही रब है कि जो शर को ख़त्म करके खैर लाता है और ये माना बड़ा मुनासब है इस लिहाज से और बहुत से लमानाफसी ने इसका यही माना किया है और दूसरा वो माना है जो अपने अब्बास रजील्ला तैन हो और बाद से मुफसर ने जिक्र किया है कि फलक का माना क्या है कि हर वो चीज़ जो फाड़ कर निकलती है और देखा जाए तो के तकरीबन जितने भी हैं वो एक दूसरे से फटने के बाद निकलती हैं दाना फटता है तो उसकी कोंपल निकलती है गुठली फटती है तो उसकी कोंपल से दरख्त उगता है पौधा उगता है पत्थर फटते हैं तो उनसे चश्मे निकलते हैं अंडा फटता है तो उससे क्या है बच्चा निकलता है और ऐसे ही यानी कि कायनात की अक्सर बेशतर चीज़ें बल्कि सभी चीज़ें तकरीबन तो उनका ताल्लुक जो है किस चीज़ के फटने के साथ है तो इसका माना क्या हुआ बिरबिल फलक तो फलक का माना किया गया है मखलूक वो रब जो मखलूक का रब है पूरी मखलूक का रब है तो उसकी बना लेता हूँ और ये माना पहले माने से भी ज़्यादा आम है पहला माना तो सिर्फ़ सुबह के लिहाज से था ना। और ये माना सुबह भी उसमें आ जाती है और बाकी भी हर चीज़ आ जाती है कि जो फटने के बाद निकलती है तो हर मखलूक का जो पूरी मखलूक का जो रब है उस रब की पनाह में आता हूँ और कोई शक नहीं कि ये माना और भी इस लिहाज से कवि है एक तो आम है और दूसरा उस रब की पनाह में आए कि जो पूरी मखलूक का रब है अब आपने मखलूकात के शर से पनाह मांगनी है जिससे अगले अगर आज में आ रहा है मिनशर्रिमा खालक हर उस चीज़ के शर से जो अल्लाह ने पैदा किया है तो जाहिर बात है कि उन चीज़ों के शर से भी आपको वही पनाह देगा जो उनको पैदा करने वाला है मखलूक़ात का जो मालिक है उनका जो रब है उनका जो पैदा करने वाला है हकीक मानों में वही ज़ात है कि जो इन मखलूक़ात के शर से आपको पनाह दे सकता है दुनियावी तौर पर भी अगर हम बात को समझना चाहें फर्ज करो किसी आदमी का कोई गुलाम नौकर है वो आपको तंग करता है तो आप किससे शिकायत करेंगे क्या किसी दूसरे आदमी से क्या शिकायत करेंगे कि ये नौकर उस फला आदमी का नौकर मुझे तंग करता है आप जो उसका मालिक है उसको जाकर कहोगे भी तुम्हारा मालिक तुम्हारा नौकर जो है मुझे तंग करता है उसे बचाओ उसके शर से बचाओ क्योंकि उसका मालिक जो है नौकर का वो ज़्यादा इस बात का लायक है ज़्यादा कुदरत रखता है कि वो अपने नौकर को खादम को अपने गुलाम को रोके दूसरे आदमी की नस्बत हालांकि यहाँ पर दूसरा आदमी भी उनके रोकने को रोक सकता है लेकिन कायनात का रब कि जिसकी क़ुदरतें जिसके इख्तियारत जिसकी मलकियतें जिसके यानी कि सारी ये चीज़ें जो हैं हर चीज़ से बढ़कर हैं और पूरी मखलूक उसके कब्ज़े में है उसके कंट्रोल में है उसके इख्तियार में है हाँ हकीकी वो ज़ात है कि जो आपको हर चीज़ के हर चीज़ के शर से बचा सकता है वो चाहे कितनी बड़ी भी चीज़ क्यों ना हो पूरी कायनत भी आपके खिलाफ क्यों ना कोई चीज़ करना चाहे पूरी कायनात के शर से बचाने वाला भी वही कायनत का रब है इसलिए फमायाउद ब रबिल फलक तो दूसरा माना फिर क्या हुआ फलक के मानी मखलूक के मैं मखलूक के रब से पना लेता उसके पनाह में आता हूँ मखलूक के रब की पनाह में आता हूँ किस चीज़ के शर से मिनशर्री माँ खल मिनशर्री शर से माँ जो खलक उसने पैदा किया कि जो भी कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उसके शर से और माँ का लफज आम है और खलक़ जो कुछ पैदा किया चाहे वो इंसान हो कोई हैवान हो कोई जिन हो कोई भी चीज़ क्यों ना हो हर चीज़ के शर से जो अल्लाह ने पैदा की है और कायन में एक ही खालक है और बाकी सभी क्या है वो सभी मखलूक हैं क्या चाहे कोई नबी हो वली हो कोई जिन हो फरिश्ता हो कुछ भी क्यों ना हो सभी मखलूक़ हैं तो ये सभी के सभी मखलूक हैं तो हर चीज़ के शर से जो उसने पैदा की अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हर मखलूक के अंदर शर है इस लिहाज से मखलूक की तीन किस्में हैं इन खैर व शर के लिहाज से मखलूक़ात की तीन किस्मों में उसको तकसीम किया है एक वो मखलूक है कि जिनके अंदर खैर ही खैर है कुछ शर नहीं है वो कौन है फिशते हैं अल्लाह के नबी और रसूल हैं फिशते और अल्लाह के नबी और रसूल कि जिनमें में खैर ही खैर है कुछ शर नहीं है हाँ अगर कहीं पर कुछ शर की चीज़ नज़र भी आती है तो किसी ख़ास उस चीज़ के लिए है कि जो शर का मुस्क है और उस शर के अंदर भी दूसरों के लिए खैर है फिश्तों ने काफरों को तबाह किया कौम रूद की बस्ों को पलटा के उनको तबाह बर्बाद किया फिश्तों ने तो कौम रूद के काफ़रों के लिए कोई शक नहीं कि वो शर है लेकिन अहल ईमान की नुसरत है उनके लिए ख़ैर है ऐसे अल्लाह के नबी और रसूल भी हमने बताया है कि उनके अंदर ख़ैर ही खैर है को शर नहीं होता क्योंकि अल्लाह की बंदों में से इंसानों में से अल्लाह तक उनको रहमत आलमीन बना के भेजा होता है तो वो मखलूक़ बल्कि सिर्फ़ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर मखलूक़ के लिए वो रहमत होते हैं तो अल्लाह के नबी और रसूल बायस रहमत हैं सरापा रहमत हैं उनके अंदर शर नहीं होता लेकिन उनको कहने वाला कहेगा कि अल्लाह के नबियों के हाथों भी काफ्र क़त्ल होते रहे हैं हाँ वो काफ़र जो कत्ल हुआ है वो अपने कुफर की वजह से हुआ है उसके कत्ल होने में भी खैर है किसकी खैर है ईमान वालों की खैर है कि जिस कुफर के काफर के मरने से ईमान वाले उसके शर से बचते हैं तो इस लिहाज से फिशते और अल्लाह के नबी और रसूल जिनमें खैर ही खैर है को शर नहीं है और उसके मद्द मकबल कुछ वो मखलूक हैं कि जिन अंदर शर ही है को खैर नहीं है और वो कौन है वो शैतान है कि जिसमें शर ही शर है कोई ख़ैर नहीं है और बाकी मखलूक जो हैं उनके अलावा उनके अंदर खैर और शर दोनों ही हैं किसी के अंदर खैर ज़्यादा होगी शर कम होगा किसी में शर ज़्यादा और ख़ैर कम होगी और जिस तरह हमने शुरू शुर में जिक्र किया है कि हती कि और तो और बदात खुद इंसान ख़ुद भी उसका अपना नफ्स भी उस भी उसके लिए शर होता है नबी सल्लम के अजकार आपकी सिखाई हुई दु में से दुआ क्या है बी कमिन शर नफ़सी क्या मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ तेरी पनाह पकड़ता हूँ अपने शर के नफ्स से अपने नफ्स के शर से अपने लफ्स के शर से तुम्हारी तेरी पनाह में आता हूँ तो इंसान और तो और औरों के शर से तो उसका बचना बचना है लेकिन हद तक उसका अपना नफ्स भी उसके लिए शर है उसके अंदर कि जिसको ज़रूरत है इंसान को कि अल्लाह के के पनाह में आए अपने नफ़ के शर से बचे ताकि कहीं उसका नफ्स का शर जो है उसको दुनिया आखिर में बर्बाद ना कर दे तो इसी हमक मनशर्री मा खलक हर उस चीज़ के शर से जो अल्लाह ने पैदा की यानी हर मखलूक के शर से और जिसका हमने तफस जिक्र की है कि मखलूक के अंदर मुख्त शर होते हैं उसके बाद हमशर्र गासीकिन इजावकब और शर्र गासी कासिक कमाना का तर्जमा हमने किया अहंधेरा और अंधेरे के शरत से इजा जब व कब के मानी छा जाए अंधेरे के शरत से जब वो छा जाए और गासे का लफ्सी माना तारेक़ अंधेरे को कहते हैं अल्लाह ताला ने जब नमाजों का जिक्र किया सोरभन साइल में तो क्या फ़रमाया सला दोलू की शमसी इलाग शकील फजर। अल्लाह ने पाँचों नमाज़ों के औका इशारा का जिक्र किया इशारा नमाज़ कायम कायम करो सुर ढलने से लेकर यानी दोहर की नमाज़ उसके बाद असर की नमाज़ उसके बाद मगरब की नमाज़ इलाघा सा रात का घुप अंधेरा हो जाने तक और वो कब है इशा की नमाज़ के जब जबकि वो शफक पर जो जब सुर अपने उफक पर जो सुर्खी होती है शफक होती है वो भी ग़ायब हो जाती है तो सुरख घुप अंधेरा छा जाता है जबकि इशा की नमाज़ का वक़्त होता है तो अल्लाह ताला ने इशा की नमाज़ के वक्त को गासा लेल का नाम दिया है तो एक तो माना गासी के मानी अंधेरा हो जाना तो वक़ब यानी जब वो छा जाए दाखिल हो जाए तो अंधेरे के शर्त से जब वो छा जाए और सही हदीस में है आप मै आपने चांद को देखा और मैं के या आयशा आप अपनी बेबू को आयशा को मुखातब करते हैं इस तय लिहाजा कि इसके शर से परा मांगो फलगा से कोदा वक़ब कि ये वो वास है जब ये छा जाए जब ये गायब हो जाए क्योंकि वक़ब के बारी ग़ायब हो जाना भी है कि जब चाँद जब गायब होता तो फिर क्या होता है वो जो रात के वक्त चांद की रोशनी ख़त्म होने के बाद अंधेरा छा जाता है तो रात के अंधेरे से पना मांगने की उसका हुक्म क्यों दिया अब अगरचे ये चीज़ पहले फ़िक्र हो चुकी है मिन शर्रिमा खल के अंदर हर चीज़ आ गई रात का अंधेरा भी आ गया हर चीज़ आ गई लेकिन फिर से अलग से चंद चीज़ों का जिक्र किया क्योंकि उनका शर और ज़्यादा है बाक़ी चीज़ों से बढ़कर कर उन्हीं में एक रात का अंधेरा है और रात के अंधेरों का शर जो है वो हम अच्छी तरह उसको समझते जानते हैं कि रात के अंधेरे में क्या क्या शर पाए जाते हैं किस तरह के ख़तरात होते हैं कि रात की तारीखियों में ही जिन शैतान ज़्यादा फैलते हैं और बल्कि जन्नों शैतानों के अलावा इंसानी शैतानों का काम भी ज़्यादातर अंधेरों में ही शुरू होता है चोरों का डाकुओं का शब खून मारने वालों का और शराबियों की महफिलें भी रातों को जमती हैं बदकारों के जानियों के भी प्रोग्राम जो है वो रातों को ज़्यादा उनके महफिलें जमती हैं और इसी तरह मुख्त तरह की मूदी चीज़ें भी दरिंदे भी ज़्यादातर रातों को निकलते हैं अंधेरे में निकलते हैं अपने कछारों से और ऐसे ही मच्छर वगैरह खटमल वग़ैरह इनका काम भी बिच्छू सांप भी मुख्तलिफ तरह की मूदी चीज़ें और बल्कि हती के मेडिकल रिसर्च जो है वो क्या है कि अंधेरे में जरासीम फैलते हैं जरासीम जो बीमारियाँ फैलाने वाले होते हैं अंधेरे में फैलते और पैदा होते पैदा होते और फैलते हैं और रोशनी से ख़त्म होते हैं तो कोई शक नहीं के अंधेरा जो है तरह के मुख्तूर का एक मौका है उसका वक़्त है और ख़ूस अगर आप इस्लाम से पहले जाहरी माहौल को देखें तो आपको पता चलेगा कि उस माहौल में अंधेरा रात का अंधेरा क्या ख़तरनाक चीज़ थी इस्लाम से पहले जारियत में जबकि दंगा फसाद था उनके यहाँ रात का आना एक बहुत बड़ा कोई बहुत बड़े ख़तरे का अलार्म होता था रात आने को आती थी आना होती थी लेकिन रात आने के साथ ही तरह तरह के खतरात लोगों पर छा जाते थे क्योंकि तो उस ज़माने में सिर्फ रात जो है किसी जानवर मूवी जानवरों का मामला नहीं कोई जिनों परेतों का मामला नहीं बल्कि दुश्मन भी शब खून मारने वाले भी चूँकि लूट मार का ज़माना था तो रात होने के साथ ही लोगों को अपनी जानों की फिक्र पड़ जाती है अपने अहलोल की अपने मालो दौलत की फिक्र पड़ जाती कि अभी को हमला आवर ना हो जाए और कतलो गार ना कर दे लूट करना चला जाए हाँ जब सुबह की रोशनी शुरू होती तो उनको सुख का सांस आता और इसलिए बहुत से ऐसे भी अरब थे अरबों के कबाइल कि जिन को जिनको रातें जा कर गुजारना पड़ती थी या कम अज़ कम वो पैरें लगाते थे ताकि कुछ लोग आराम कर सके सके और कुछ उनको पहरा दें तो ये कैफ़ियत थी उनके यहाँ रात की कि रात उनके यहाँ एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी तो लह है कि अपनी शर ग कब अंधेरे के शर से जब वो छा जाए और इसी तरह आप सब सबका फरमान है रात के हवाले से आपकी जो तलीमत है हमको इन चीज़ों को समझने जानने की ज़रूरत है आप मैं कि जब सूर्य गुरु होता है अंधेरा फैलता है तो क्या करो दरवाज़े बंद कर लो अपने बर्तनों को ढक लो या उनको उल्टा दो किस लिए कि इस वक्त शैतान और जिन फैलते हैं अपने बच्चों को बल्कि अपने पास रोके रखो क्योंकि इस वक्त शैतान जिन फैलते हैं और बल्कि रात ही वक़्त है कि जिसके बारे में आपका फ़रमान है कि साल में एक ऐसी रात भी है कि जिसमें आसमान से बीमारी नाजल होती है और वो बीमारी हर उस खुले बर्तन में दाखिल होती है कि जो बर्तन खुला पड़ा हो उसको उल्टा ना गया हो उसको ढकाना गया हो आपने जो तालीम मात दी है बर्तनों को ढकने की उल्टाने की ऐसे नहीं दी उसके पीछे क्या क्या हमतें हैं क्या क्या मकासद हैं लोगों की खैर भलाई के तो इस इसलिए दिए हैं क्या क्या अहमाते हैं कि साल में एक रात ऐसी होती है जिसमें बीमारी नादल होती है आसमान की तरफ से अल्लाह की तकदीर से आती है और वो हर खुले बर्तन में नादल होती है तो ये था अमीन शर गा कि वक़्क़ब अंधेरे के शर से जब वो छा जाए अमिन शरिना सा तफ़िलुकद और शर बुराई से नफासा जमा नफासा की और नफासा यानी फूंक मारने वाली और नफस कहते हैं नून फा सा तीन नुको वाला सा नफस ऐसी फूक को कहते हैं कि जिसमें मामूली सा थूक भी हो आदमी जब फूक मारे उसमें हल्का सा थूक हो उसको नफस का नाम दिया जाता है तो नफासात जमा नफासा की यानी फूके मारने वालियाँ अब ये फूके मारने वालियाँ कौन हैं मुमकिन हैं औरतें हों क्योंकि वालियाँ मुआनस चीज़ है औरते और मुंकर औरतें हों और मुमकिन है कि औरतें नहीं बल्कि जाने हों फूके मारने वाली जाने क्योंकि अरबी में कुरानी करीब में अल्लाह ने बहुत कई जगहों पर यानी कि मुनस का जिक्र किया है लेकिन उसके मुराद जो उसे क्या है उसे मुराद जान है नफ्स है और जिस तरह जान उर्दू में मोनस है मेरी जान जिस तरह कहते हैं ऐसी अरबी में भी नफ्स का लफ्ज़ जो है मोनस है तो मश्र नफा सा मारने वालियाँ यानी फूके मारने वाले औरतें हों या फूके मारने वाली जान हों फ उकद जमा रकदा की और उकदा के मानी गिरा और गांठ आदमी कोई भी धाका है कोई भी चीज़ है उसकी गिरा बांधता है उसको उकदा का नाम देते हैं उसकी जमा उकदा है उकद है उकद तो गांठों में गिरों में फूके मारने वालियाँ अब गांठ या गिरा में फूंक मारना किसका काम होता है ये जादूगरों का काम होता है तो इस आयत में हमें एक और बहुत बड़े शर्स से पनाह लेने की तालीम दी गई वो क्या है जादू और जादूगर अगर नफ्स माना लेते हैं तो जादूगर मर्द हो या औरतें हों और अगर नफ़ा सास मुराद औरतें लेते हैं तो जादूगर औरतें इसलिए नफ्स माना ज़्यादा करीब है क्योंकि जादूगर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं अगरचे इस सूरत के हवाले से बाद का कहना है कि चूँकि अल्लाह तब को इस सूरत को पढ़ने की हुक्म दिया जब आप पर जादू किया गया था और आप पर जादू जिसने किया था उसके बारे में मशहूर रतु में ये आता है कि वो एक यहूदी था लबीद इबन आसम उसकी बेटियाँ थीं और बाद में रहते बल्कि ये आता है कि बजाते ख़ुद इस यहूदी ने आप पर जादू किया था आप पर जादू की बात है तो वो थोड़ा उसका बयान करते चले जाते हैं अगरचे टाइम का, का, काफ़ी हो रहा है रसूलक में इस्लाम पर आपके दुश्मनों ने मुखालफी ने तरह तरह के आपके ऊपर आपको अदियतें देने की कोशिश की और ये सिर्फ़ आपका नहीं बल्कि हक हर हर हक प्रस का उसका काम होता है उसके साथ ये कुछ होता है कि हमेशा उसके दुश्मन होते हैं उसके मुखालफ होते हैं उसको हर तरह से अजियत देने की कोशिश करते हैं तो चुनाचे रसूलकम को जहाँ पर तरह तरह की और भी अजियतें दी गईं, उसके साथ साथ आपको हती के आप पर जादू करने की कोशिशें भी की गईं और ये कोशिशें जिस तरह के सीरत नगारों का कहना है कि कई बार की गई लेकिन अक्सर वो वो आपके ऊपर ये कोशिशें कारगर ना होती हती कि एक रबीद में आसम यहूदियों का बहुत बड़ा जादूगर था और जाना माना था इसमें उसको फिर यहूदियों ने प्राम दिया कि आप पर जादू करें तो चनाचे सही बुखारी की मुस्लिम की रवायात में है कि जिन रिवायत रिवायत में अदना सा शक नहीं है कि वो सच्ची रवायतें हैं सही हैं उनमें है कि नबी अकम्सम पर जादू किया गया और इस जादू का असर आपके ऊपर क्या है हम चाहते हैं कि इन बातों को अच्छी तरह सुना जाए समझा जाए आप पर जादू हुआ है जिस तरह के सही बुखारी मुस्लिम की रवायतों में है लेकिन इस जादू का आप पर असर क्या हुआ सिर्फ़ घरेलू मामलों में सिर्फ घरेलू मामलों में दीन और शरीत में नहीं सिर्फ घरेलू मामलों में आपको बात वहम होता कि मैंने ये काम किया है और नहीं किया होता था बस इतना सा आपको आपके ऊपर इस जादू का असर हुआ हालांकि जादू बड़ा ज़बरदस्त था बहुत पावरफुल था अगर किसी और पर होता तो हलाक हो चुका होता लेकिन रसूल करीमल वसम का अल्लाह पर ईमान और यकीन आपका तोहद और अकीदा अल्लाह पर तो्क् आपके अजकार कुरान की तिलावत कोई शक नहीं कि सारी वो चीज़ें हैं कि जो शर से बचाने वाली हैं तो आप पर जादू किया गया तो आप पर सिर्फ़ उसका इतना सा असर हुआ कि आपको घरेलू मामलों में कोई चीज़ नहीं बिकी होती तो शक होता या वह होता कि मैंने कर ली है और ये कुछ अर्सों तक आपके साथ मामला चलता रहा सीरज नगारों में इख्त है कि कितना अर्सा रहा हफ़्ता रहा दो हफ़्ते तीन हफ़्ते या छः हफ़्ते या बाद महीनों का नाम भी देते हैं लेकिन इसका अरसा ज़्यादा नहीं रहा कुछ अरसा तक रहा थोड़ा थोड़े वक्त के लिए और सिर्फ़ इस वहम की हद तक के घरेलू मामलों में किसी की हो नहीं की होती तो करने का वहम होता और उसके बाद इस जादू को अल्लाह ने आपसे ख़त्म कर दिया इसका हम ज़िक्र करते हैं कि आपने अल्लाह से दुआ की और आप फिर सोते हैं दुआ करते रहते थे, थे आप आपको ये वहम हो जो वहम का जो लाह का आपके साथ पेश आया जाहारी बात है कि एक अच्छी चीज़ नहीं थी आप उस पर परेशान थे तो उससे आप अल्लाह से दुआ करते तो आप एक दिन जब सोए हुए थे तो आप क्या देखते हैं कि एक फिश्त आपके सर की तरफ आता है और दूसरा फिश्ता आपके पाँव की तरफ खड़ा होता है और दोनों फिश्ते एक दूसरे से सवाल करते हैं कि आपको क्या है तो दूसरा फिशा कहता है कि आप पर जादू किया गया है किसने किया है फला ने किया है किस चीज़ पर किया है आपके बालों पर और कंगी पर आपके बालों और कंगी पर जादू किया है तो इस तरह की फिश्तों ने एक दूसरे को बातें की आप सदस्य ख्वाब में सारा देख रहे हैं सुन रहे हैं और नबियों के ख्वाब हकीक़त में वही होते हैं आप जब सो के उठते हैं तो आप हजरत आशा को माते हैं कि मैं अल्लाह से जो दुआ मांगी थी अल्लाह ने मुझे वो मेरी दुआ पूरी करके मुझे मुझको बता दिया है कि मुझ पर क्या किया गया है तो आपने सईद नारी को बुलाया और उनको हुक्म दिया कि फ़लाँ फ़लाँ मदीना के एक साइड पे पुराना बे आबाद कुआँ था जिसको बे रेदरवान का नाम दिया जाता है कि उस कुएँ में जाओ और वहाँ पर कंगी और बाल हैं और एक खजूर का जो जब उसके फल निकलता है उसका फल जिस गुलाब के अंदर होता है उस गुलाब के अंदर इन चीज़ों को जो है वो डाला गया है लपेट के रखा गया है कुएँ के अंदर तो वो निकाल के ले आओ तो शहीद दिनारे जाते हैं और वो निकाल कर लाते हैं तो उसमें क्या था आपके बाल थे कंगी थी और गिरे बांधी हुई थी और बाद रवायतों में ये भी आता है कि मोम का पुतला था जिसमें सुइयाँ चुभी हुई थी तो आप ये दोनों सूरतें पढ़ते चले जाते हैं मोवैन और उन गिरों को खोलते चले जाते हैं और जब ये गिरे खुल जाती हैं तो आप ऐसे महसूस करते हैं जैसे आपको बंधा गया हो आपको जकड़ा गया हो और आप खुल गए हैं जादू का जो असर था आपके ऊपर फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर हमें एक और बहुत बड़ी तालीम मिलती है वो क्या है कि पहली बात तो है कि जादू को मालूम करने के लिए हमें जादूगरों के पास गुमराह कुल मुलाऊँ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है हम वही काम करें जो अल्लाह के नबीम ने किया है कि अगर किसी पर उसको शक है कि उस पर जादू हुआ है या उस पर जादू के को आसार नजर आते हैं तो अपने दीन ईमान को बर्बाद करने के लिए गुमराह कुल पीर उमुललाऊँ के पास ना जाइए बल्कि अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह खुद भी क़ादर है कि आपके जादू को अपनी तरफ़ से ही ख़त्म कर दे या जिस तरह के नबी करीम अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखा दिया आपको भी अल्लाह त्वाब में दिखा दे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि जादू किस चीज़ पर हुआ है और आप उस चीज़ पर जादू को उस चीज़ को तलफ करके उसको ख़त्म करके जादू का असर ज़ायल कर दें तो पहली बात तो इस वाक़े से हमको ये मालूम हुई कि नबी करीम सल वसलम भी अल्लाह के बन्दू में से बन्ने हैं कि जिन पर अगर बाकी लोगों पर जादू चल सकता है हो सकता है तो आप पर भी ये चीज़ हुई बाद लोगों ने इस जादू का इनकार करने की कोशिश की है कि आप पर जादू नहीं हुआ इनकार क्यों किया है इस वहम पर कि अगर आप पर जादू हुआ है तो इसका मतलब कि आपकी शरीय जो है वो मशकूक हो गई नाकबिल एतबार रही क्योंकि जिस पर जादू होता है उसको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ लेकिन हमने पहले ज़िक्र कर दिया है कि सही बुखारी मुस्लिम की रवायात में वाज है कि आपके ऊपर जादू का या असर शरीयत के अहकाम के हवाले से इसका दूर तक कोई नहीं था दूर तक कोई इसका असर सूर नहीं था बल्कि सिर्फ घरेलू मामलों में मखसूस हालात में सिर्फ आपको शक होता कि चीज़ की है और नहीं की होती थी बस इससे बढ़कर नहीं था और अगर ये बात है तो फिर हमें इन हदीसों को रद्द करने की जो सही बुखारी मस्लम की हदीसें हैं और सही त्रीन हदीसें हैं उन पर तान करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इसकी कोई गुंजाइश है वरना अगर आप इस मौदू पर आके बुखारी के हदीस को रिजेक्ट करते हो रद्द करते हो फिर कहने वाले कहेंगे बाकी हदीसें भी उनको रद्द करो इसलिए हकीकत बात जो है वो ये उसको हकीकत मानना चाहिए लेकिन उसकी हकीकत को समझना चाहिए कि वो है कैसे उसकी कैफ़ियत क्या है क्या आप पर जादू हुआ है और इस आप पर जादू होना इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के बंदों में से बंदे हैं आप अपने आप को भी इस तरह के नुकसान से बचाने पर इख्तियार नहीं रखते जे जैके लोगों को बचा सकें औरों को बचा सकें और आपने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने आपको दिखा दिया कि आपके साथ क्या हुआ है और फिर आपने वो चीज़ें मंगवाईं जिस पर जादू किया गया था बालक वा इस तरह की चीज़ें और आपको जिस तरह की तालीम दी गई थी इन दोनों सूरतों को पढ़ने की आप इन दोनों सूरतों को पढ़ते गए गिरे खोलते गए और आप आपसे जादू का असर जो है वो ख़त्म हो जाता है जिससे हमको ये भी पता चला कि जादू का असर कैसे ख़त्म करना है अगर पता चल जाए कि किस चीज़ पर जादू हुआ है वैसे तो इस तरह बताया है कि अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला खुद ही ख़त्म कर दे लेकिन अगर आपको पता चल जाता है ख्वाब में देख कर ये किसी भी अंदाज से पीरों मुलाऊँ के पास जाने के बगैर ही तो आप उस चीज़ को अगर पता चलता है तो उस चीज़ को इस तरह से तलफ कर दें अगर कोई कागज के टुकड़े पर लिखा हुई चीज़ है तो उसको पानी में डाल कर जो है वो लिखाई को ख़त्म कर दें या अगर कोई पत्थर पर या किसी और चीज़ पर कोई चीज़ नक्श की हुई लिखा हुआ है तो उसको रगड़ कर ख़त्म कर दें उसको चीज़ को इस अंदाज से पीस कर या उसको तोड़ फोड़ कर दें कि उसकी हसीियत ख़त्म हो जाए अगर गिरे बांधी गई हैं तो जिस तरह के कि आपने किया था कि इन सूरतों को पढ़ते हुए गिरे खोलते जाएं, तो अल्लाह के फजल तौफीक से जो है वो जादू के असरत ख़त्म हो जाएंगे तो शर्र शर फिल उक़द और जादूगरनीों से या फूके मारने वालियों के शर से जो फूके मारती हैं गिरों में फूके मारती हैं तो जादू का चूँकि बड़ा गहरा असर है और बड़े इसके बुरे असरात हैं तो इसलिए हमें ख़ास तौर पर इसके बारे में खसूसी तौर पर इसके शर से पना मांगने की तलीम दी उसके बाद फायराशद निरा हसद और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे हसर क्या चीज़ है हसरत का माना है कि किसी पर अल्लाह की नमत देख कर जलना और यह तमन्ना करना कि इसके पास ये नमत ना रहे हाँ बात इसके पास नमत ना रहे मुझे मिल जाए लेकिन बाद अवत बस इसको ये नियमत ने इसके पास ना रहे मुझे मिले ना मिले को परवाह नहीं हसद के मुख्त शक्रें हैं तो यानी दूसरे से उस नमत के जायल होने का उसके ख़त्म हो जाने की तमन्ना करना ये है हसद और जलना इस बात पर कि इसको ये क्यों मिली है और हकीकत में हसद के बारे में एक लम्बा मौजू है कि जिसकी बड़ी बड़ी कबाहतें हैं कि जिसमें अल्लाह की तकदीर पर एतराज़ है कि अल्लाह ने इसको दे दी है मुझे नहीं दी अल्लाह की तकदीर पर एतराज़ अल्लाह की हमत पर तानबाजी हाँ अल्लाह ने इसको देख कर जब ने गलत काम किया है और इसी तरह बग़ैर किसी जुर्म के दूसरे के बारे में ज्यादी करना उससे हसद करना क्योंकि किसी के बारे में हजरत करना उस पर जुर्म ज़्यादी है और उस आदमी के खबीस नफस होने की दलील है हसद करने वाले के उसके दिल के खबीस होने की गंदा होने की कमीना होने की दलील है कि जिसको गबारा नहीं कि किसी के पास खैर हो किसी के कोई नेकी खुशी में हो और इससे बढ़कर कोई माशरे का कमीना गिरा हुआ आदमी नहीं हो सकता कि जिसको दूसरों की खुशी दूसरों की नेमत बर्दाश्त ना हो और फिर हसद के नुकसान में सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि बजाते खुद इंसान के अपने लिए कि वो हमेशा जल रहा होता है हसद की आग में जल रहा होता है इसलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि हसद से बढ़कर कोई इंसाफ़ करने वाला नहीं यानी मखलूक़ात में क्या हसद हसद बजाते खुद जो है बड़ा इंसाफ बन इंसाफ़ करने वाली चीज़ है कि वो जिस पर हसद किया जाता है उसका तो कोई नुकसान होता ही नहीं होता सबसे पहले हसद को ख़ुद को ही जलाता है तो ये खैर चूँकि बहुत बड़ी कबाहत है बहुत बड़ी बीमारी है कि जिसका इलाज करने की ज़रूरत है और इलाज इसका क्या है आदमी कैसे हसत से बचे कि पहली बात तो इस तरह का ख्याल जब आए किसी के बारे में हसद का तो उसको झटक दे निकाल दे और ख़्यालत का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं शैतान है ख़्याल डालता रहता है दिल में और दूसरा ये है कि दूसरों से खैर ख्वाही का जज्बा दिल में पैदा करें जिसके दिल में ख़ैर ख्वाही का जज्बा होता है उसको कभी किसी से हसद नहीं होता कि इसको ये चीज़ क्यों मिली है और इसी तरह दूसरों के साथ एहसान करने का निकी करने का ये तरीका करे सिर्फ ना कि जज्बा खैर ख्वाही का बल्कि इससे बढ़ कर निकी ए एहसान करने का और खसूस जिसके साथ हसद है उसके साथ उसको कोई गिफ्ट दे उसके साथ नैकी करे उसके लिए दुआ करे उसकी खूबियाँ बयान करे हती कि दिल में जो शैतान बैठा हुआ है कि जो उसको हसद पर मजबूर कर रहा है वो शैतान निकल जाए और अल्लाह की तकदीर पर यकीन हो कि अल्लाह ने जो मुक़द्र किया है हर एक को वही मिल रहा है किसी को उसकी तकदीर के बगैर नहीं मिल रहा आपका हिस्सा किसी के पास नहीं जा रहा इस बात का यकीन हो और फिर हसद के जो इंजाम है उस पर इन आदमी की नज़रें हों कि मैं किसी से हसद करके क्या हासिल करूँगा क्या मुझे मिलेगा सवाई जलने के दिल के तंग पड़ने के परेशान होने के अपनी नेकियों को बर्बाद करने के और क़्यामत के दिन अपनी इस हसद जिस पर हसद किया जाए उसको देने के तो इसके स्वाब मुझे क्या मिल रहा है इसलिए कहा जाता है कि हसद जो है ये मुफ़्त तरह तरह की बीमा तरह तरह की बुराई की जड़ है कि जिसमें आदमी दूसरों से देख कर नमतों को जलता है तकदीर पर एतराज़ होता है अल्लाह तला की हमतों पर एतराज़ होता है और जो है उसको दूसरों पर खैर नियमत देखना बर्दाश्त नहीं होती गवारा नहीं होती और अपनी नकियाँ उनको दे रहा है अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहा है तो तरह तरह के अंदर जो है ये बातें हैं इसलिए फरमाया कि किसर हासिद नीला हसद हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करें लेकिन ये यहाँ पर यह क्यों फरमाया कि आला हसद जब वो हसद करे क्योंकि बात किसी के दिल में हसत तो हर वक़्त होता ही होता है लेकिन वो हसद जो है कब उसका किसी पर असर होता है या किसी का नुकसान होता है उसको कि जब वो किसी के साथ हसद कर रहा होता है यानी कि किसी को देखता है कि इसके पास ये नेमत है उसका दिल जलना शुरू हो जाता है या अपनी बातों से दूसरों के पास बैठ कर कि फ़लां के पास ये मिला है फ़लां के पास ये चीज़ है ऐसी बातें जब करता है इस तरह की चीज़ें जब करता है हाँ तो उस वक़्त इस तरह की बातें उसकी ये नज़रें जो हैं उसकी हसद की इनके ये गरीब तरीन नजरें जो हैं हसद की नज़रें उसकी ये गुमराह कन बातें जो हैं हसद के हसत से भरी बातें जब ये बातें होती हैं जब ये शरीर नज़रें पड़ती हैं तो उस वक़्त हसद का फिर नुकसान होता है फिर बालत जिस पर हसद किया जाता है बीमार हो जाता है बल्कि बालोत वो कत्ल भी हो जाता है चीज़ें तबाह हो जाती हैं और बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं जब हासद अपनी शरीर निगाहों से हसद की निगाहों से किसी चीज़ को देखता है या अपनी गंदी गली ज़बान से जो है किसी के बारे में हसद की बातें करता है तो ऐसे अपना कि शरीर हसद के हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे हाँ वैसे वो जलता रहे जलता रहे जब तक मुश्किल नहीं है लेकिन उसकी शरीर निगाहें उसकी गलीज बातें हाँ ये वो चीज़ें हैं कि जो बालूक़ात इंसान का नुकसान कर सकती हैं तो माता है कि उसके शर से बचने की हमको तालीम दी उसकी यहाँ पर यह भी है कि हम हासद के शर से कैसे बचें हमने पहले जिक्र किया है कि हसद का इलाज कैसे करें जिसको हसद की बीमारी लगी है लेकिन हासत के शर से बचने के लिए एक तो ये सूरत हमको अल्लाह ने दी है और कोई शक नहीं कि आयत अल्लाह ने ख़ास तौर पर शर से बचने के लिए हमको सिखाई इसलिए उसके साथ साथ अजकार और दुआएँ सुबह शाम की कुरान की तिलावत करना ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का तकवा निकी इार करना क्योंकि आदमी जिस कदर अल्लाह के करीब होगा तकवा निकी होगा मैय तकल्ला है जो जा आल्लामरा जाऊँ दूसरी आदमी क्या फरमाया है फाह त के लिए काफ़ी हो जाता है तकवा इख्तियार मैयत वक्कर अल्लाफा हंसबू अल्लाह पर अल्ला तवकर करने वे के लिए काफ़ी हो जाता है तो अल्लाह पर तोवक्र हो तकवा निकी हो तो अल्लाह के साथ जितना गहरा तालुक़ होगा की उसी कदर हिफाजत होगी हादसों के शर से अल्लाह ताली बचाता रहेगा इसी तरह जिस तरह हमने ज़िक्र किया है पहले भी कि हासद को उसके शर से बचने के लिए उसके हसद की आग को बुझाने की कोशिश की जाए और ये कोशिश करने के लिए क्या चाहिए पहली बात तो नेमतों को ऐसी चीज़ों को जाहिर ना करें उनके सामने पहले तो लोग वैसे ही किसी के आँख के सामने ला कर जाहिर करते थे आजकल फेसबुक पर मीडिया के वसाइल पर कि बेहतरीन दस्तरखान लगा है वजसर खान की तस्वीर जो है वो फेसबुक पर चढ़ा दी अब उसको कौन कौन किस किस हसद की निगाह से देख रहा है हम फिर बाद में कहते हैं कि बीमारियाँ पड़ गई हैं कारोबार तबाह हो गए घर में बेबरकती हो गई क्यों नहीं हो क्योंकि खुद ही हादसों की नजरों में अपने आप को डाला है बच्चा है खूबसूरत अल्लाह ने दी है नहमत अल्लाह की नमत का शिक्र अदा करो तो उसकी उनकी तस्वीरें जो हैं फेसबुक में ना डालो क्योंकि देखने वाले किन किन निगाहों से देखते हैं तो इसलिए हसद के यानी कि हसद के आग की जो हसद की आग को बुझाने की कोशिश की जाए उसको मौका यहाँ दिया जाए हसद करने का और अगर उसको मौका मिल भी गया हसद करने भी लग गया तब भी कोशिश करो उसको कोई गिफ्ट देकर कोई हदिया देकर उसको अपने क़रीब करने की उससे दुश्मनी अदावत ख़त्म करने की इसी तरह सद का ख़रात जो है वो इंसान को बलाओं से बचाता है अल्लाह के हुक्म से और ऐसे ही अल्लाह की तोहद और अकीदा जिस कदर पुख्ता होगा अल्लाह ताला उसी कदर बंदे को लोग में सर से बचाता है नी हम सदसलफला काशला हो कहीं कोई को तुम्हें नुकसान अल्लाह तला जैन देना चाहे तो अल्लाह के सिवा तुमको बचाने वाला कोई नहीं है और फिर ये भी है कि हजरत करने वाले करते रहें आदमी अपने तौर पर अपना इंतज़ाम करे अजकार करे दुआएँ करें इस तरह की सूरतें पड़े और इस इस चीज़ को ना देखें कि कौन हजरत कर रहा है कौन क्या कर रहा है वो जलते रहें मरते रहें तो ये वो बड़े बड़े इसबाब हैं कि जिससे आदमी हादसों के हसों से बच सकता है दोबारा तो देखिए आज के सूरत को उबुलफलक कह दो कि मैं पनाह में आता हूँ पनाह पकड़ता हूँ फलक के रब की और फलक के मानी जैसे हमें बताया है कि सुबह के रब हो या उसका माना मखलूक़ात का रब हो मिन शर मा खलक हर उस चीज़ के शर से जो अल्लाह ने पैदा की है उसके शर से पनाह लेता हूँ और मिन शर गासिक इन गिन वकब और अंधेरे के शर से जब वो छा जाता है अमिन शरिनिफिन और फूकें मारने वालियों के शर से गिरोह में गांठों में उमिन शर हास दिनदा हजरत और हसत करने वाले के शर से जब वो हसत करता है बारखल फ़िक्त